हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी केश आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी जो है वड़ा पाव। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए फिलिंग। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जब तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। साथ ही में डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जब जीरा तड़क जाए तो हम उसमें डालेंगे थोड़े से फ्रेश करी लीव्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब पीनट्स यानी के मूंगफली। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है ताकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा पका लेते हैं ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। 1/2 चम्मच के करीब मैं हल्दी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच के करीब मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच यहाँ मैं रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी के आलू। इन आलूओं को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, तो इन्हें हम ऐसे ही हाथों से मैश करते हुए डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी टेस्टी वाली फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। फिलिंग अभी गर्म है तो हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ लेते हैं। तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए बेसन का बैटर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन। अब अच्छे क्रंच के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 पिंच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा कलर आए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो एक बार में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें ना ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो हमारे वड़ों के ऊपर इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इस बात का आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि हमें ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। इस कंसिस्टेंसी का घोल हमें चाहिए। देखिए, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी का घोल हमें बनाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इससे हमारे वड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा बेसन का घोल बिल्कुल तैयार है। अब फटाफट से हम बनाते हैं वड़े। तो सबसे पहले हम इस आलू की जो फिलिंग है इसके बॉल्स बना लेंगे। तो जितना बड़ा आपको वड़ा बनाना है आप उतना बड़ा आलू का पोर्शन लीजिए और इसे बॉल का शेप दे दीजिए। ऐसे बॉल बनाकर रखने से हमारे वड़े बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे।
तो मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से अपने वड़ों को फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अब एक पीस लीजिए आप आलू का और इसे अच्छे से बेसन में कोट कर दीजिए। एक्स्ट्रा बेसन को हम निकाल देते हैं और हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ अच्छा गर्म है, फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है। एक बार में जितने वड़े आ पाए कढ़ाई में हम उतने ही डालेंगे। अब फ्लेम को हम हल्का सा बढ़ा देते हैं और इन वड़ों को अच्छे से हम क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए एक तरफ इनका कलर अच्छा आ गया है, अब उल्टी तरफ से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी तरह से सेम हम बाकी वड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सारे वड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनके लिए फटाफट से ब्रेड भी सेक लेते हैं। यहाँ तवे के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो पाव को आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए तब हम इसके ऊपर पाव रख देंगे। तो यहाँ पाव को मैंने दो भागों में कट कर लिया है, इसे हम बटर में अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से पाव को सेकने से हमें किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब एक तरफ से हल्का पाव रोस्ट हो जाए तो हम इसे उल्टे साइड से भी सेक लेंगे। तो लीजिए हमारी पाव सिक चुकी है, अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो एक पीस आप पाव का लीजिए, इसके ऊपर हम रखेंगे एक वड़ा, इसे हल्का सा हम प्रेस कर देंगे और दूसरी पाव रख के हम इसे असेंबल कर लेंगे। तो लीजिए हमारी वड़ा पाव कितनी आसानी से असेंबल हो गई। और थोड़ा अगर तीखापन आप लाइक करते हैं तो यहाँ मैंने मिर्ची को फ्राई करके रखा है, वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो लुकिंग वाइज भी ये बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ सारे पाव को मैंने असेंबल कर लिया है और ये देखने में कितने डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरी रेसिपी को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और आपकी रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।